अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। फसल 55, फरिश्तों से दूरी और शैतान का क़ुर्ब। मासी की एक सजा यह भी है कि गुनाहों से इंसान का हकीकी दोस्त, इंसान का हकीकी दोस्त सोचिए कौन? सबसे बड़ा मुशफिक, नासिह, नफरसा और मुजबे यानी बायस सआदत रफीक उससे दूर भागता है, और वो मुअक्कल और मामूर फरिश्ता, मुअक्कल जिसके काम सुपुर्द किया गया और मामूर जिसे हुक्म दिया गया, फरिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है। ये पता ना आपको, कुरान मजीद में आता है ना, लहू मुअक्किबातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिहि, उससे दूर हो जाता है, हिफाजत करने वाले फरिश्ते दूर हो जाते हैं और शैतान करीब हो जाता है। जो सबसे बड़ा मक्कार, अय्यार, फरेबी और जर्र रसा है, जिस दर्जे की मासियत यानी गुनाह और जिस दर्जे का गुनाह होता है उसी कदर मुहाफिज फरिश्ता भाग जाता है। अब देखिए कि जब एक इंसान नोबल होता है, शरीफ होता है, अच्छा होता है, तो वो दोस्त किसको बनाएगा? अपने जैसे। और अगर देखे कि जिसको दोस्त बनाया वो बिगड़ रहा है तो कुछ दिन तो समझाएगा, और अगर वो नहीं समझेगा तो क्या करेगा? छोड़ जाएगा। फिर इंसान रोता रहता है, मुझे फलां भी छोड़ गया, मुझे फलां भी छोड़ गया, लेकिन ये भूल जाता है क्यों छोड़ गया। तो मुहाफिज फरिश्ता भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जो गलत काम करते। बसाओकात तो सिर्फ एक झूठी बात करने से यह फरिश्ता मीलों दूर भाग जाता है, एक झूठ। और बाज़ वक़्त हैरत होती है कि लोग बिला जरूरत, ये नहीं मैं कहती जरूरत में झूठ बोलना चाहिए, यानी आदतन बिला जरूरत झूठ बोले चले जाते हैं, सिर्फ एक टोर बनाने के लिए या एक चीज को गलत रंग में पेश करने के लिए। और ये बहुत बड़ी शामत है, कितना बड़ा खसारा हम कर रहे होते हैं बाज़ वक़्त किसी को खुश करने के लिए, अपना नुकसान करके, अपने हिफाजत वाले फरिश्ते को दूर भगा के। तो सबसे बड़ी बुराई जिसे छोड़ने की जरूरत है, जो इंसान की हिफाजत के पर्दे काट देती है, वो क्या है? झूठ। चनांचे बाज आसार में वारिद है, इदा कذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه, कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से मुअक्कल फरिश्ता एक मील दूर भाग जाता है, एक मील दूर चला जाता है उससे। इंसान के अंदर से ऐसी बूढ़ती है कि जो उस फरिश्ते को पसंद नहीं आती और वो उसे छोड़ जाता है। झूठ से ये मुअक्कल फरिश्ता इस कदर दूर भाग जाता है तो इससे बड़े और फौज गुनाहों से वो किस कदर दूर भागता होगा। बाज असलाफ ने कहा कि मर्द मर्द से बदफेली करता है, होमोसेक्सुअल्स, तो जमीन चिल्लाती हुई बारगाह इलाही में फरियाद करती है, जमीन चिल्लाती हुई बारगाह इलाही में फरियाद करती है, और फरिश्ते भागे हुए बारगाह खुदावंदी में जाते हैं और शिकायत पेश करते हैं। यानी जब फहश फेल करते हैं दो मर्द या दो औरतें भी कह लीजिए, तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है? फरिश्ते दूर भाग जाते हैं और अल्लाह सुबहान तआला से शिकायत करते हैं, जमीन भी चिल्लाती है और वो गवाही समेट रही होती है। बाज असलाफ का कौल है कि सुबह होते ही इंसान के पास फरिश्ता और शैतान पहुंच जाते हैं। आप उठते हैं ना, दोनों आ चुके होते हैं। इंसान अगर अल्लाह का जिक्र करता है, उठते ही दुआ पढ़ता है, उसकी किबरियाई बयान करता है, हम्द सना करता है, तस्बीह तहलील करता है, तो यह फरिश्ता शैतान को भगा देता है और इस इंसान से अपना रिश्ता कवी कर देता है। सबको आती है सुबह उठने की दुआ? बच्चों बच्चों को भी सिखा दीजिए। लेकिन बाज लोग कहते हैं I'm too lazy to read, मुंह ही नहीं खुलता। अगर ऐसा कभी हो तो सोचिए अल्लाह ने तौफीक छीनी हुई है, और रो के अपने लिए दुआ कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ सो के उठ के आप टू लेजी हैं तो आपको पता है मौत का वक्त कितना सख्त होता है, उसको कलमा कैसे याद रहेगा, उसको कैसे कलमा पढ़ेंगे।
سو کیسے اللہ کا ذکر کریں گے اگر آج اپنی سستی دور نہ کی؟ تو جب انسان اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور انسان سے اپنا رشتہ قوی کر دیتا ہے. اس نے اگر کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے, اس سے دور بھاگ جاتا ہے, اور شیطان انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے. یعنی اب ذکر کیا, اچھے کام کیے, فرشتہ ساتھ ساتھ ہے, جو ہی غلط کام کیا فرشتہ چلا گیا, شیطان واقع مسلط ہو گیا. مثلا صبح صبح کیا غلط کام ہو سکتا, کسی کی فون کال آ گئی, اب کیا شروع ہو گیا. مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی سویرے فون کرتے کیسے ہیں, ان کو اللہ یاد نہیں کہ بندے یاد آ جاتے ہیں فٹافٹ. کس قدر غلط بات ہے نا, اٹھتے ہی کس کی یاد ہونی چاہیے. اور اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو اللہ سے دعا مانگے, نہ کہ سویرے سویرے بندوں کو فون کرنے شروع کر دے. نہ خود یکسوئی سے عبادت کرتے, نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, عموماً بندوں کی باتوں میں کیا ہوتا ہے, کوئی مبالغہ آرائی, کوئی لغ, کوئی جھوٹی بات, کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی, نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب وہ رحمت کا فرشتہ تو چلا گیا, اب یہ شیطان غالب ہے, اب وہ ساتھ ہے. اچھا, اس سے ایسا ذہن بکھرتا ہے بعض اوقات کہ انسان کے باقی پلاننگ بھی دھری کی دھری رہ جاتی. وہ جو آپ نے پلاننگ کرنی تھی نا, اس وقت وہ فضول گفتگو سن کے وہ موڈ آف ہو گیا آپ کا, وہ بھی رہ گئی. اب سارا دن آپ کا کہاں سے گزرے گا؟ اچھا, جب آپ نے پلان ہی نہیں کیا دن تو کیا ہوگا, بہت مشکل ہے. فرشتہ انسان کا مقرب ہو جائے تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے, یہی اس پر غالب رہتا ہے. پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کی زندگی میں اور موت کے وقت آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی اگر آپ اچھے کام کرتے رہتے ہیں تو ہر دم فرشتے آپ کے دوست بنے رہتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے, پھر اس عقیدے پر جمے رہے تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے, نہ تو اندیشہ کرو اور نہ رنج, اور بہشت جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اب اس کی خوشخبری لو. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں. یہ مدد کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, چغلی سے بچتے ہیں, غیبت سے بچتے ہیں, دھوکے سے بچتے ہیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے دوست ہوں, فرشتے دوست ہوں, مددگار ہوں, تو پھر ایک ایک گھنٹے کو اللہ کی اطاعت کے پروگراموں میں گزاریے, اسی کا پلان کیجئے اور اس کے مطابق چلیے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ کے کوئی غلط کام ہو گئے, اور پھر سوچئے کیوں ہوئے, کیا وجہ ہوئی. جب تک سبب نہیں معلوم کریں گے آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے, آئندہ وہ پھر آپ پر مسلط ہوگا. فرشتہ انسان کا رفیق اور دوست بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بڑا ناسے, سب سے بڑا نفع رساں, سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا. یہ فرشتہ اسے ثابت قدم رکھے گا, اسے عمدہ علم سکھائے گا, یعنی دل میں القا کرتا رہے گا, اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں, یہ کریں یا نہ کریں, یہ کریں کہ وہ کریں, کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لے پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی تائید سے محروم ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا تو فرشتے مددگار ہوتے ہیں, وہ اس کے دل میں کیسے خیالات ڈالتے ہیں, یعنی بہترین نصیحتیں, بہترین باتیں ڈالتے ہیں, ایسا کر لو, ایسا کر لو, اندر سے ہی مشورے آتے رہتے ہیں. اور اگر انسان عیار ہوتا ہے, فریبی ہوتا ہے, دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہوتا, تو پھر اس کے اندر سے کیا اٹھتا رہتا ہے, اس کو یہاں سے کاٹو, اس کو وہاں سے کاٹو, اس کو یہ نقصان دو, اس کو فلاں طریقے سے, وہ الٹی باتیں سکھاتا ہے. یعنی شیطان ہوتا ہے نا وہ, جو اس کو الٹی باتیں سکھاتا ہے, اور پھر انسان پھر وہ وہی کرنے لگتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سارا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فرشتہ پھر انسان کا دوست بن جاتا ہے اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا, چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ ہے استقامت. اے پیغمبر, وہ وقت تھا کہ تمہارا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو تم مسلمانوں کو جمائے رکھو, تم ان کے قدم جمائے رکھو. ہم عام طور پہ شکایت کرتے ہیں نا, ہمارے اندر استقامت نہیں, مضبوطی نہیں, ہم ارادہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں, پھر ایک دن یہ کرتے ہیں پھر اگلے دن وہ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے مخلص ہمدرد دوست نہیں, فرشتے ہمارے ساتھی نہیں. اگر وہ ہوتے تو ہر حال میں جم جاتے, جیسے صحابہ دشمن کو سامنے پا کے بھی جمے ہوئے تھے.
और हम छोटी सी रुकावट आती है तो हमारे कदम उखड़ने लगते हैं। किस कदर ये चीज है हमारे साथ, कोई मंसूबा पूरा होता ही नहीं क्योंकि कदम जमे ही नहीं, इरादे ही जो नहीं मजबूत। हालत नजा में यही फरिश्ता उसे कहेगा, ला तखफ वला तहजन वो अबशिर बिल्लजी यसुरुक, खौफ न कर गम न कर, जो तुम्हें खुश रखे ऐसी खुशखबरी मैं तुम्हें देता हूं। और फिर ये फरिश्ता उसे कौल साबित पर साबित कदम रखेगा, दुनिया में मौत के वक्त और कब्र में, मुनकर नकीर के सवाल और जवाब के वक्त भी। अगर दुनिया में कंफ्यूजन है तो कब्र में जाकर वो दूर नहीं होगी, यही दूर करनी होगी। बस उस फरिश्ते की सोहबत और दोस्ती से बेहतर कोई दोस्ती नहीं। ये फरिश्ता उसका ऐसा रफीक और दोस्त होगा कि बेदारी और नींद में, जिंदगी में और मौत के वक्त भी, कब्र में और कब्र की वहशत के वक्त भी उसका मुनिस होगा, गमखार होगा। खलवत तन्हाई और जलवत सबके सामने होना, खलवत और जलवत का साथी होगा, राजदाराना उमूर में भी राजदार होगा, उसकी जानिब से उसके दुश्मन से जंग करेगा, दुश्मन से मुदाफत करेगा, उसकी इयानत करेगा, खैर व फलाह के वादे करेगा और उसकी बशारते सुनाएगा, तस्दीक के हक के लिए उसे आमादा करता रहेगा। एक रिवायत में मरफुअन और मौकूफन दोनों तरह ही मरवी है, मरफुअन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल है और मौकूफ यानी सहाबी से। लिल मलक बिकल्ब इब्न आदम लिम्मतन वल शैतान लिम्मतन فلمت الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمت الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق ترمزي। आदमी के कल्ब में यानी दिल में फरिश्ते का खतरा भी होता है और शैतान का भी। फरिश्ते का खतरा खैर व फलाह का वादा और वादे की तस्दीक है, और शैतान का खतरा शर का वादा और हक की तकदीब। ये खतरा जो है ना, ये यानी ख्याल डालना से मुराद है। किसी बंदे को जब इस फरिश्ते का तकर्रुब हासिल हो जाता है तो ये फरिश्ता उसकी जबान बन जाता है, वो बंदे की जबान से सच्ची बातें कहलवाता है और कौल सादिक का उसे इल्का करता है। फरिश्ता अलग हो जाए तो उससे शैतान करीब हो जाता है और उसकी जबान से झूठ और मकर फरेब की बातें, फहश कलामी और यावा गोई कराता है। यानी ये नहीं हो सकता फरिश्ता आपके साथ और आप झूठ बोल रहे हो, लाजमन आप समझिए कि उस वक्त फिर शैतान ही के कंट्रोल में है आप। ये अमर इस कदर वाज है कि हर देखने वाला अंदाजा लगा लेता है कि फरिश्ते की जबान से बात कर रहा है या शैतान की जबान से। यही हकीकत इस हदीस में मरवी है। अब इंसान जब गुस्से में बोल रहा होता, चीख चिल्ला रहा होता, तो फरिश्ता बोल रहा था उसके अंदर, कौन बोल रहा होता है? शैतान। लेकिन हम फिर भी नहीं मानते। इन सकीनता तंतक वाला लिसान उमर रदी अल्लाह अन्हु, मुस्नद अहमद। उमर की जबान से सकीनत का नुत्क होता है, यानी उनकी बातों के अंदर एक सुकून होता है। यानी अगरचे वो कितने एनर्जेटिक थे और यानी बाजों का सख्त बात भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद फर्म बात करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान फ्यूरियस हो और गुस्से में बोले, सुकून से बात करे जो दूसरों को भी समझ आए, अपने उसूल से ना हटे लेकिन आराम से बात करे। सलफ साले किसी साले और नेक आदमी के मुंह से अच्छे कलमात सुनते तो कहा करते थे, तेरी जबान से ये बातें फरिश्ता कहलवा रहा है। अच्छा, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि आप किसी के साथ खैरखाई से कोई अच्छी बात करने लगते हैं तो आपको वो बातें आ जाती हैं जो पहले से आपने सोची नहीं होती। जिन लोगों ने कभी दर्स दिया होगा तो आपने देखा होगा उस वक्त वो घर से तैयारी कुछ करके जाते और वहां से कुछ और बातें जबान से निकलने लगती। वो कौन निकलवाता है? अल्लाह की मदद होती है, वो ऐसा फरिश्ता साथ होता। और बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि आप कहना कुछ चाहते हैं और आपकी जबान से निकलता ही नहीं, रुकावटें आ रही होती हैं बोलने में। तो उस वक्त सोचा करें कहां गलती की, कौन सा गुनाह किया, और कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। बुरे कलमात सुनते तो कहते ये कलमात तुझे शैतान इल्का कर रहा है। ये फरिश्ता बंदे के कल्ब पर हक का इल्का करता है और जबान पर भी। शैतान कल्ब पर बातिल का इल्का करता है और जबान पर भी। मासी बंदे को उस दोस्त से महरूम कर देते हैं जिसके कुर्ब और मवालात से उसकी सआदत वाबस्ता है। यानी गुनाहों की वजह से इंसान अच्छे दोस्तों से महरूम हो जाता है, हाँ वो फरिश्ते हो या इंसान, और उस दुश्मन से जोड़ देते हैं जिससे उसकी शकावत यानी बदबख्ती, हलाकत और तबाही वाबस्ता है। फरिश्ते का तकर्रुब हासिल होता है तो फरिश्ता उसकी जानिब से उसके दुश्मनों से उसकी मुदाफत करता है, जाहिल अहमक उस पर हमला करता है या उसे गाली गलोच देता है तो ये फरिश्ता उसका जवाब देता है और उसे दफा करता है। वाकया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में दो आदमी कुछ मुखासमत यानी झगड़ा कर रहे थे। उनमें से एक अपने मुखासम यानी मुखालिफ को गाली गलोच कर रहा था, दूसरा खामोश था,
लेकिन बाद में उसने भी अपने दुश्मन को कुछ जवाब दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठकर चले गए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी कुछ बातों की तरदीद की है, मैंने तो सिर्फ अपना दिफा किया और तो कुछ नहीं किया, आप क्यों उठकर दूसरी तरफ तशरीफ ले गए? आपने फरमाया, कान अल मलक युदाफिउ अनका फलम्मा रदत्ता अलैहि जा अश्शैतानु फलम अकुन लिअजलिस। तुम्हारी जानिब से फरिश्ता मुदाफत कर रहा था, यानी जब तुमने जवाब नहीं दिया अपने खिलाफ बातों का तो फरिश्ता जवाब दे रहा था, जब तुमने उसकी तरदीद की तो शैतान दौड़ आया, इसलिए मैं वहां नहीं बैठ सका। आप देखिए कि इतनी सही हदीस में ये बात आती है, लेकिन हम में से कितने लोग इस पर अमल कर सकते हैं? हम तो कहते हैं जब तक हम जवाब ना दे चुके हमें चैन आता ही नहीं। बंदा जब अपने किसी मुस्लिम भाई के हक में उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो ये फरिश्ता आमीन कहता है, लेकिन बहुत से दिल इतने बखील होते हैं कि किसी दूसरे के लिए दुआ भी नहीं करते, और तो क्या देंगे कुछ। और यह भी कि अल्लाह जितना उसे दे इतना तुझे भी अता करे। बंदा सूरत फातिहा पढ़कर आमीन कहता है तो ये फरिश्ता भी आमीन कहता है। कोई मुवाहिद मोमिन किताबुल्लाह किताबुर रसूल का पैरो यानी फॉलोअर इत्तफाकन गुनाह में मुबतला हो जाए तो हामिलीन अर्श और मुकर्रब फरिश्ते उसके हक में दुआए मगफरत करते हैं। मोमिन बंदा सोता है तो फरिश्ता उसके कपड़ों और लिबास से चिमटा रात गुजारता है। गर्ज मोमिन बंदे का फरिश्ता दुश्मन से उसकी मुदाफत करता है, दुश्मन के हमले को रोकता है, नेक और अच्छा बताता है, साबित कदम रखता है, उसमें शजात और हिम्मत पैदा करता है। फिर क्या बंदे के लिए ये सजावार है कि अपने ऐसे हमदर्द रफीक और मोनिस पड़ोसी को भूल बैठे? यानी कौन? फरिश्ता। उसे तकलीफ और ईजा पहुंचाए और उसके नेक वादों की नाकदरी करे, ये फरिश्ता उसका मेहमान और रफीक है। इंसान इंसान का मेहमान होता है तो उसका इकराम और मेहमान नवाजी की जाती है, हमसाय के साथ एहसान किया जाता है, मेहमान का इकराम और हमसाय के साथ एहसान लवाज़िम ईमान में से है। फिर इस शरीफ मेहमान और गमखार हमसाय के इकराम और एहतराम के मुतल्लिक फर्ज क्या होना चाहिए? क्या जिम्मेदारी बनती है आप कि हम अपने फरिश्ते के साथ क्या सलूक करें? उसे घर से निकालते रहे, जाओ जाओ मैं अब जरा गलत काम कर लूं? बंदा इताअत और इबादत से जिस तरह उस फरिश्ते का इकराम करता है और फरिश्ता उसके हक में दुआ करता है, इसी तरह बंदा मासी जुल्म जौर और फवाहिश का इर्तिकाब करता और फरिश्ते को इजा पहुंचाता है तो वो फरिश्ता उसके हक में बददुआ करता है। चुनाचे बाद सहाबा का कौल है, इन्ना माअकुम मन ला युफारिकुकुम फस्तहयू मिन्हुम व अक्रिमूहुम। ये जो इकराम की बात है उन्होंने मनगढ़ंत नहीं की, हदीस में आती है, तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे जुदा नहीं होते, तुम उनसे हया करो और उनका इकराम यानी इज्जत करो, यानी हराम काम गलत काम ना करो। बताओ दुनिया में इससे ज्यादा कोई लईम, लईम कौन होता है? कमीना। और मनहूस होगा जो ऐसे करीम वाजिब तकरीम कादिर की शर्म ना रखे, वाजिब तकरीम जिसका एहतराम लाजिम है उसकी शर्म ना रखे और उसकी तौकीर ना करे। इस माने की तरफ कुरान हकीम में भी इरशाद मौजूद है। कौन कह रहा है? सच्ची बात है। अलिनफितार 10 से 12, और तुम पर चौकीदार यानी किरामन कातिबीन फरिश्ते तायनात कर रखे हैं कि जो कुछ भी तुम करते हो उन्हें मालूम रहता है, यानी मुअज्जज़ फरिश्ते हैं, उनका एहतराम करो, यानी इन मुहाफिजीन का इकराम करो, उनकी शर्म रखो, उनकी ताजीम करो और उनकी अजमत को पहचानो। तुमसे ऐसी बातें सरजद ना हो कि तुम जैसे इंसान भी उन्हें देखना गवारा ना करें। फरिश्तों को ऐसी बातें तकलीफ देती हैं जिनसे इंसान को तकलीफ होती। आपने देखो कि लोगों ने जब गलत काम करना तो दूसरों से छुप जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके साथ जो है वो अलग नहीं हो रहा और तुम उसे जबरदस्ती अलग कर रहे हो, दूर कर रहे हो अपने से। फिस्क व फुजूर और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से इंसानों को तकलीफ होती है, हालांकि इंसान इस किस्म की चीजों में मुलव्वस हुआ करते हैं। तो फिर क्या मलाइका इकराम कातिबी ने आमाल को तकलीफ न पहुंचती होगी जबकि वो मासी और गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हुआ करते हैं? वल्लाहुल मुस्तआन। अगर कोई काम हम माँ बाप के सामने नहीं करते, बहन भाइयों के सामने नहीं करते, दोस्तों के सामने नहीं करते, किसी नेक इंसान के सामने नहीं करते, तो क्या ख्याल है उस फरिश्ते का कि जिसको हम पास ही नहीं आने देते, फिर उसके सामने कैसे कर लेते हैं? हम सब के लिए गौर करने की जरूरत है, सोचने की बात है। होमवर्क फिर क्या होगा, क्या करेंगे आप? हाँ, अपना प्लानर बनाएंगे और
مجھے بتائیں گے انشاءاللہ کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، کیا کیا فائدہ ہوا، نہیں کیا کیوں نہیں کیا، اور مشکلات کیا آئیں، تاکہ ہم ان کا سولوشن ڈھونڈیں. جو کر لیں گے وہ فائدے میں رہیں گے، جو نہیں کریں گے وہ اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی اور کا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.